नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 51। जैसे सुंदर भाव के समावेश से कविता में जान पड़ जाती है और सुंदर रंगों से चित्र में, उसी प्रकार दोनों बहनों के आने से झोपड़ी में जान आ गई। अंधी आंखों में पुतलियां पड़ गई हैं। मुरझाई हुई कली शांता अब खिलकर अनुपम शोभा दिखा रही है। सूखी हुई नदी उमर परी जैसे जेठ बैसाख की तपन की मारी हुई गाय सावन में निखर जाती है और खेतों में किलोले करने लगती हैं, उसी प्रकार विरह की सताई हुई रमणी अब निखर गई है, प्रेम में मग्न है। नित्य प्रति प्रातःकाल इस झोपड़े से दो तारे निकलते हैं और जाकर गंगा में डूब जाते हैं। उनमें से एक बहुत दिव्य और द्रुतगामी है, दूसरा मध्यम और मंद। एक नदी में थिरकता है, नाचता है, दूसरा अपने वृत्त से बाहर नहीं निकलता। प्रभात की सुनहरी किरणों में इन तारों का प्रकाश मंद नहीं होता है, वे और भी जगमगा उठते हैं। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता अपने केसों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे मनुष्य के समान भोजन के थाल पर टूट पड़ती है, सुमन किसी रोगी सदृश सोचती है कि मैं अच्छी हूँगी या नहीं। सदन के स्वभाव में भी अब कायापलट हो गया है, वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो रहा है। वह अब दिन चढ़े उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता है, सुगंध मलता है। 9 बजे से पहले वह अपनी बैठक में नहीं आता, और आता भी है तो जमकर बैठता नहीं, उसका मन कहीं और रहता है। एक एक पल में भीतर जाता है, और अगर बाहर किसी से बात करने में देर हो जाती है तो उताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती है और बाहर का भी। वह घड़ी रात रहे उठती है और स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती है, फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती है, 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती है। 11 बजे तक यहाँ से छुट्टी पाकर वह कोई न कोई काम करने लगती है। 9 बजे रात को जब सोने चले जाते हैं लोग तो वह पढ़ने बैठ जाती है। तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेम है। कभी भक्ति माल पढ़ती है, कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी राम तीर्थ के लेख। वह विदुषी स्त्रियों के जीवन चरित्रों के बड़े चाव से पढ़ती है। मीरा पर उसे असीम श्रद्धा है। वह बहुधा धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ती है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति में उसे अधिक शांति मिलती है। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वह उनके झगड़े चुकाती है, किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अंजन या घुट्टी बनाती है। उनमें कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर आती है और दवा दारू की फिक्र करती है। वह अपनी गिरी दीवार को फिर से उठा रही है। इस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका यश गाते हैं, हाँ अगर आदर नहीं है तो अपने घर में। सुमन इस तरह जी तोड़ कर घर का सारा बोझ संभाले हुए है, लेकिन सदन के मुंह से कृतज्ञता का एक शब्द भी नहीं निकलता। शांता भी उसके इस परिश्रम का कुछ मूल्य नहीं समझती। दोनों के दोनों उसकी ओर से निश्चिंत है, मानो वह घर की लौंडी है और चक्की में जूते रहना ही उसका धर्म है। कभी कभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, कभी दौड़ धूप से बुखार चढ़ जाता है, तब भी वह घर का सारा काम रीत्यानुसार करती रहती है। वह कभी कभी एकांत में अपनी दीन दशा पर घंटों रोती रहती है, पर कोई ढांढस देने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। सुमन स्वभाव से ही माननी सगर्वा स्त्री थी। वह जहाँ कहीं रही थी रानी बनकर रही थी। अपने पति के घर वह सब कष्ट झेलकर भी रानी थी। विलासनगर में वह जब तक रही उसी का सिक्का चलता रहा। आश्रम में वह सेवा धर्म पालन करके सर्वमान्य बनी हुई थी, इसलिए अब यहाँ इस हीन अवस्था में रहना उसे असहन था। अगर सदन कभी कभी उसकी प्रशंसा कर दिया करता, कभी उसे सलाह लिया करता, उसे अपने घर की स्वामिनी समझा करता, या शांता उसके पास बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उसका मन बहलाती, तो सुमन इससे भी अधिक परिश्रम करती और प्रसन्न चित्त रहती। लेकिन इन दोनों प्रेमियों को अपनी तरंग में और कुछ न सोचता था। निशाना मारते समय दृष्टि केवल एक ही वस्तु पर रहती है। प्रेमाशक्त मनुष्य का भी यही हाल होता है। लेकिन शांता और सदन की यह उदासीनता प्रेम लिप्सा के ही कारण थी, इसमें संदेह है। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ रोगी से बचते हैं। उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं रखते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही थी
कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता इससे जल जाती। ये तो दोनों चाहते थे कि यह आस्तीन का सांप आंखों से दूर हो जाए, लेकिन संकोचवश वह आपस में भी इस विषय को छेड़ने से डरते थे। सुमन पर यह रहस्य स्नेह स्नेह खुलता जाता था। एक बार जीतन कहार शर्मा जी के यहाँ से सदन के लिए कुछ सौगात लाया था। उसके पहले भी कई बार आया था, लेकिन उसे देखते ही सुमन छिप जाया करती थी। अब की जीतन की निगाह उस पर पड़ गई। फिर क्या था, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह पत्थर खाकर पचा सकता था, पर कोई बात पचाने की शक्ति उसमें ना थी। मलाहों की चौधरी के पास चिलम पीने के बहाने गया और सारी राम कहानी सुनाया। अरे यह तो कसबिन है, कसम ने घर से निकाल दिया तो हमारे यहाँ खाना पकाने लगी, वहाँ से निकाली गई तो चौक में हरजाईपन करने लगी, अब देखता हूँ तो यहाँ विराजमान है। चौधरी सन्नाटे में आ गया, मलाहिनों ने भी सारे बाजियाँ होने लगी। उसी दिन से कोई मल्लाह सदन के घर का पानी ना पीता, उनकी स्त्रियों ने सुमन के पास आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह एक बार लाला भगत राम ईंटों की लदाई का हिसाब करने आए, प्यास मालूम हुई तो मल्लाह से पानी लाने को कहा। मल्लाह कुएं से पानी लाया, सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरी मारने से कम न था। अंत में दूसरा साल जाते जाते यहाँ तक नौबत पहुँची कि सदन जरा जरा सी बात पर सुमन से झुंझला जाता, और चाहे कोई लागू बात न कहे पर उसके मन के भाव झलक ही पड़ते थे। सुमन को मालूम हो रहा था कि अब मेरा निर्वाह यहाँ न होगा। उसने समझा था कि यहाँ बहन बहनोई के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा, उनकी सेवा करूँगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और कोने में पड़ी रहूँगी। इसके अतिरिक्त जीवन में अब उसे कोई लालसा नहीं थी। लेकिन हाश हो, यह तख्ता भी उसके पैरों के नीचे से सरक गया और अब वह निर्दयी लहरों की गोद में थी। लेकिन सचमुच सुमन को अपनी परिस्थिति पर दुख चाहे कितना ही हुआ हो, उसे सदन या शांता से कोई शिकायत न थी। कुछ तो धार्मिक प्रेम और कुछ अपनी अवस्था के वास्तविक ज्ञान ने उसे अत्यंत नम्र विनीत बना दिया था। वह बहुत सोचती थी कि वहाँ जाऊँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी न हो, लेकिन उसे ऐसा कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता। अभी तक उसकी निर्बल आत्मा कोई अवलंब चाहती थी। बिना किसी सहारे के संसार में रहने का विचार करके उसका कलेजा कांपने लगता था। वह अकेली असहाय संसार संग्राम में आने का साहस न कर सकती थी। जिस संग्राम में बड़े बड़े कुशल धर्मशील दृढ़ संकल्प मनुष्य मुंह की खाते हैं, वहाँ मेरी क्या गति होगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे संभालेगा? निराधन होने पर भी यह शंका उसे यहाँ से निकलने न देती थी। एक दिन सदन 10 बजे कहीं से घूम कर आया और बोला, भोजन में अभी कितनी देर है, जल्दी करो, मुझे पंडित उमानाथ से मिलने जाना है, चाचा के यहाँ आए हुए हैं। शांता ने पूछा, वहाँ कैसे आए हैं? सदन, अब यह मुझे क्या मालूम, अभी जीतन आकर कह गया है कि वह वहाँ आए हुए हैं और आज ही चले जाएंगे, यहाँ आना चाहते थे लेकिन, सुमन की ओर इशारा करके, इसी कारण से नहीं आए। शांता, तो जरा बैठ जाओ, यहाँ अभी 1 घंटे की देर है। सुमन ने झुंझला कर कहा, देर क्या है, सब कुछ तो तैयार है, आसन बिछा दो, पानी रख दो, मैं थाली परोसती हूँ। शांता, अरे तो जरा ठहर ही जाएंगे तो क्या होगा, कोई डाक गाड़ी छुटी जाती है, कच्चा पक्का खाने का क्या काम। सदन, मेरी समझ में नहीं आता कि दिन भर क्या होता रहता है, जरा सा भोजन बनाने में इतनी देर हो जाती है। सदन जब भोजन करके चला गया तब सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता, सच बता, तुझे मेरे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? तेरे मन में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ, लेकिन तू अब जब तक अपने मुंह से मुझे दुत्कार न देगी मैं जाने का नाम न लूँगी, मेरे लिए यही ठिकाना नहीं। शांता, बहन कैसी बात करती हो, तुम रहती हो तो घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए का क्या होता। सुमन, यह मूक देखी बातें मत करो, मैं ऐसी नादान नहीं हूँ, मैं तुम दोनों आदमियों को अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ पाती हूँ। शांता, तुम्हारी आंखों की क्या बात है, वह तो मन तक की बात देख लेती है। सुमन, आंखें सीधी करके बोलो, क्या जो मैं कहती हूँ झूठ है? शांता, जब तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो? सुमन, इसलिए कि सब कुछ देख कर भी आँखों पर विश्वास नहीं होता, संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, वह मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी सोच
नीच समझती हो। इसका आश्चर्य है, तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूँ, इतने दिनों में तुम्हें मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। शांता, नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूँ, यह बात नहीं है, हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए हैं वह मैं कभी ना भूलूंगी, लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है, लोग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। यह सदन सिंह कहते थे कि सुभद्रा जी यहाँ आने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई। और बहन, बुरा ना मानना, जब संसार में यही प्रथा चल रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सुमन ने विवाद न किया, उसे आज्ञा मिल गई। अब केवल एक रुकावट थी, शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की माँ बनने वाली थी। सुमन ने अपने मन को समझाया, इस समय छोड़कर जाऊंगी तो इसे कष्ट होगा, कुछ दिन और सह लूँ, जहाँ इतने दिन काटे हैं, 1-2 महीने और सही, मेरे ही कारण यह इस विपत्ति में फंसे हुए हैं, ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहाँ एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए परी हुई थी, पंखहीन पक्षी पिंजरबद्ध रहने में ही अपनी कुशल समझता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 51। धन्यवाद।